के पास में जाकर थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पहले नंबर पर माता के पास, दूसरे नंबर पर पिता के पास, तीसरे नंबर परमात्मा के पास में। क्यों? जब हम हमारी माँ के पास में जाकर बैठते हैं, दिन भर तुमने व्यापार क्या किया, दिन भर दुकान पर क्या किया, दिन भर नौकरी में क्या करा, आपके घर में अगर वृद्ध माता है उसके पास में जाकर थोड़ी देर बैठो, उसके पास बैठोगे, उसको समय दोगे, तो एक ना एक तुम्हारा मुसीबत का हल तुम्हारी माँ अवश्य बताएगी। अपने पिता के पास जाकर बैठो, घर में बुजुर्ग पिता है, बाप अगर घर में है, पिता अगर घर में है, तुम कहीं से भी आओ, दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, कितनी भी नौकरी में, कितने भी व्यापार में, कहीं पर भी व्यस्त रहिए, दो क्षण अपने पिता के पास जाकर जरूर बैठो, वह आपको अपनी मुसीबत का हल जरूर बताएंगे। और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जिस महादेव को आप चाहते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दत्त को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसको भजते हो, उस परमात्मा के करीब में दो क्षण आकर जरूर बैठो। माता पिता और परमात्मा तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं, तुम्हारा मार्ग सुलभ करने वाले होते हैं। कुछ देर माता के पास में जाकर बैठिए, कुछ देर परमात्मा के पास जाकर बैठिए, कुछ देर अपने पिता के पास जाकर बैठिए और बैठो। थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, थोड़ा समय परमात्मा को देने का प्रयास करो। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने माता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने पिता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर परमात्मा के मंदिर में जाकर, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम तो इतना कहते हैं कि अगर एक क्षण आधी में पुनियाद, अगर थोड़ी सी भी समय हमने हमारे माता पिता और परमात्मा को दिया है तो उस क्षण का सदुपयोग जरूर होगा और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। माता पिता परमात्मा कभी बुरा नहीं करते। दुनिया में सब बुरा कर सकते हैं, दुनिया में सारी दुनिया, सारी सृष्टि आपका बुरा करने में लग जाएगी, सारी दुनिया आपका बुरा कर सकती है, सारी दुनिया आपको गाली दे सकती है, सारी दुनिया आपको अपशब्द कह सकती है, सारी दुनिया आपको ताना दे सकती है, सारी दुनिया ईर्ष्या में भूलकर आपकी निंदा कर सकती है, पर केवल एक माता पिता और परमात्मा ऐसा होता है जो कभी कुछ आपके लिए गलत नहीं कर सकता। वो करेगा तो हमेशा आपके हित का ही करेगा और आपको आशीर्वाद ही देगा, वो माता पिता और परमात्मा। दो क्षण जाओ उस पर।